देश भर के सरकारी कर्मचारियों, प्राइवेट कर्मचारियों और पेंशनर्स का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में महंगाई भत्ते की बड़ी अपडेट के साथ साथ ही कर्मचारियों से जुड़ी हुई अन्य बड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी काम। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले मोबाइल को इस तरह से सीधा पकड़ें, चैनल के नाम के नीचे की ओर आपको यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आता है, इस सब्सक्राइब वाले पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपके सामने आगे की ओर एक घंटी का निशान नज़र आएगा। इस घंटी वाले निशान पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन नज़र आएंगे, ऑल वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। हालांकि इस बात से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि डेढ़ साल से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा रखी है। बढ़ती हुई महंगाई में कर्मचारियों को जो एक ब्रह्मास्त्र महंगाई भत्ता मिलता है वही सरकार के द्वारा छीन लिया गया है। लेकिन ऐसे में एक और बड़ी बुरी खबर आ रही है कर्मचारियों को लेकर कि उनकी वेतन कटौती, महंगाई भत्ता कटौती के साथ साथ में वेतन कटौती भी सरकार करने जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के लगभग सभी संवर्गों के मई महीने के वेतन कटौती है वह हो सकती है, साथ ही जून और जुलाई महीने के अंदर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो सहायक कर्मचारियों का एक दिन का, मंत्रालय कर्मचारियों का दो दिन का और अधीनस्थ सेवा कर्मचारी जो हैं उनकी तीन दिन और गजेटेड अधिकारियों के पाँच दिन की वेतन कटौती संभव है। और यह कटौती सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन पोर्टल पे मैनेजर के माध्यम से सीधे कोरोना रिलीफ फंड के तहत करने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि ये जो कटौती हो रही है ये पे मैनेजर में बल्क डिडक्शन के ऑप्शन में इसका फॉर्मूला ऑप्शन है वह चुनना होगा। और उधर माना जा रहा है कि वेतन में कटौती किए बिना पे मैनेजर पर अब बिल बनना संभव नहीं होगा और ऐसे में वेतन की कटौती के बाद ही कर्मचारियों का बिल बनेगा। तो ऐसे में जो कर्मचारी लगातार अपने महंगाई भत्ते को लेकर मांग कर रहे थे और यदि उनके वेतन में से और कटौती की जाती है तो यह कर्मचारियों पर एक तरह से दोहरी मार होगी। और यह बुरी खबर जो आ रही है यह राजस्थान के राज्य कर्मचारियों को लेकर है। अब बात करते हैं एक दूसरी बड़ी खबर जिसमें फ़ायदे की खबर हम कह सकते हैं, ये देश भर के जो कर्मचारी हैं NPS के जो कर्मचारी हैं उनको लेकर अच्छी खबर आ रही है कि उनको विकल्प चुनने का ऑप्शन है वह बढ़ा दिया गया है, उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। ऑप्शन दरअसल किस तरह का है आपको बता दें कि केंद्र सरकार के जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको बड़ी राहत दी गई है। अब उनको नेशनल पेंशन सिस्टम यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को CCS नियम 2021 के तहत 10 के अंतर्गत दो विकल्प यहाँ पर मिलेंगे। सरकार ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना या NPS के तहत संचित पेंशन कोष से लाभ चुनने का विकल्प यहाँ पे दिया है। यानी यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में उसके पास दो तरह के ऑप्शन रहते हैं, एक रहता है NPS के अंदर ही रहने का और दूसरा होता है पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का। तो ये यहाँ पे सरकार ने भी समय सीमा दी है जिसके तहत अभी यह विकल्प चुनने का अवसर होगा। आपको बता दें कि अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी इस संबंध में अपना विकल्प नहीं चुनते हैं तो पहले 15 वर्ष की सेवा के लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ का एक विकल्प मौजूद रहेगा, इसके बाद NPS के तहत डिफ़ॉल्ट विकल्प का लाभ मिलना शुरू होगा। वर्तमान में पुरानी पेंशन योजना का डिफ़ॉल्ट विकल्प इन कर्मचारियों के अनुसार मार्च 2024 तक प्रचलन में है, भले ही सरकारी कर्मचारियों ने 15 साल की अपनी सेवा पूरी कर ली हो। आपको यहाँ पर महंगाई भत्ते को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है उससे भी मैं जानकारी उसकी जानकारी भी दूंगा, उसकी भी अपडेट दूंगा, लेकिन ये जो अपडेट आ रही है अच्छी और बड़ी अपडेट आ रही है इसको पहले जान लेते हैं कि CCS नियमों के मुताबिक अगर कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान चोट या बीमारी के कारण विकलांगता से पीड़ित हो जाता है तो ऐसी विकलांगता के बावजूद सरकारी सेवा में बरकरार रहता है तो उसके एवज में उसे विकलांगता के संबंध में विकलांगता पेंशन का एकमुश्त मुआवजा मिलता है। आपको बता दें कि सरकार NPS के स्थान पर CCS पेंशन नियम 1972 के कवरेज प्राप्त करने के लिए केंद्र के कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त विकल्प का लाभ उठाने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। नई संशोधित तारीख अब 31 मई होगी और यह उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो 1 जनवरी 2004 से पहले चुने गए थे लेकिन 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्ति ही और शामिल हुए हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी। वहीं पर महंगाई भत्ते को लेकर एक बड़ी खबर और सामने आ रही है। केंद्र सरकार के
एक मंत्रालय के द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। दरअसल श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा यह बढ़ोतरी वेरिएबल डीए यानी परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को लेकर यह बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि इससे जो केंद्रीय क्षेत्र के जो वर्कर्स हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और यह दरअसल दो गुना महंगाई भत्ता किया गया है। इससे महंगाई से लड़ने को लेकर इस क्षेत्र के जो कार्मिक हैं या फिर जो वर्कर्स हैं उनको इसका सीधा लाभ मिलने लगेगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के केंद्रीय क्षेत्र में रोजगार में लगे विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को राहत प्रदान करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते यानी वीडीए की दर में बदलाव किए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि इससे लगभग 1,50,00,000 जो वर्कर्स हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी मानी जाएगी और इसका लाभ 1 अप्रैल 2021 से दिया जाएगा। महंगाई भत्ता में जो संशोधन है ये श्रम ब्यूरो के द्वारा संकलित औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI के आधार पर तय किया जाता है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते को लेकर। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ते का इंतज़ार करना पड़ रहा था 1 जुलाई से वह इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है और डीए पर लगी पाबंदियां हट जाएंगी। इससे कर्मचारियों के सीधे सैलरी में उछाल आएगा और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिलहाल महंगाई भत्ता और सैलरी में बदलाव होता नज़र आता है आ रहा है। सातवें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ने के साथ साथ में पे मैट्रिक्स की घोषणा भी की गई है। यह ग्रेड पे का दूसरा रूप होता है। इसके आधार पर कर्मचारियों को कई तरह के फायदे दिए जाते हैं। वो ग्रेड पे से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर ही पे मैट्रिक्स का ऐलान किया गया है। ऐसे में जानते हैं कि पे मैट्रिक्स क्या है और इससे कर्मचारियों की सैलरी पर क्या फर्क पड़ने वाला है। सभी जानते हैं कि इससे कर्मचारियों को किस तरह का फायदा होता है। आपको बता दें कि सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों का स्टेटस ग्रेड पे से नहीं बल्कि नए पे मैट्रिक्स से निर्धारित होता है। कर्मचारी अब अपने वेतन के स्तर का पता लगा सकते हैं, साथ ही आने वाले समय में संभावित वृद्धि को लेकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। इससे करियर की शुरुआत में ही पता चल जाएगा कि उन्हें आगे कितना फायदा होने वाला है और अब इसी के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में ग्रोथ होगी। तो ये कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देवें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें।